दोस्तों, मेरा नाम सुरजीत मुखर्जी। मैं आप लोगों के बीच आज उपस्थित हुआ हूँ अपने गुरु, अपने भगवान और विश्व के सबसे विख्यात म्यूज़िक डायरेक्टर पंचमदा के बारे में बोलने के लिए। मैं बहुत आभारी हूँ श्री समीर परासनीस जी का, जिन्होंने मेरे को इनवाइट किया आज के इस प्रोग्राम में बोलने के लिए। तो मैं बस पंचमदा के बारे में कुछ ज़्यादा क्या कहूँ, इतने मतलब महान कलाकार, हम तो बस उनको सुन सुन के बड़े हुए हैं, बचपन से सुनते आ रहे हैं, अभी भी सुन रहे हैं। और एज एन आर्टिस्ट, एज ए म्यूज़िशियन, मैं पंचमदा का कोई ऐसा गाना नहीं है जो कि मैं अपने प्रोग्राम में, शोज़ में नहीं गाता हूँ। बचपन से सुनते आते हुए मतलब एक उनके म्यूज़िक हमारे अंदर बैठ गई है और हम उनको मतलब हर मोमेंट में जीते हैं, हर पल में जीते हैं, हर क्षण में जीते हैं। पंचमदा जैसा म्यूज़िक डायरेक्टर ना कभी होगा ना कभी बन सकते हैं। जितने भी बड़े बड़े विख्यात म्यूज़िक डायरेक्टर आज के डेट में बॉलीवुड में आए हैं, मेरे को पता है कि बहुत अच्छे विख्यात म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, बट वो लेवल जो पंचमदा का क्रिएशन जो था वो नहीं हो सकता है। हमारे आँखों से हर पल आंसू बहते रहते हैं कि पंचमदा का म्यूज़िक बहुत जल्द हमारे बीच से चला गया। जब वो 1942 लव स्टोरी का म्यूज़िक दिए थे, वो ऐसा म्यूज़िक देके गए हैं, उसके बाद मतलब जो शुरुआत से लेके वहाँ तक उन्होंने म्यूज़िक दिया है, उसके बाद Happy, 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 happy. Happy, happy, happy. Happy, happy, happy.